कई वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आर्या न्यूज के कैमरे पर कैद हुई है और ग्रामीणों ने जो दुख बयां किया है, दर्द बयां किया, वो साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन क्या लगता है वहां पर सड़कों का क्या कुछ अभी हाल है? बिल्कुल, वहाँ की सड़कों की बात की जाए तो सड़कों में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे निकलने के आगे के कोई रास्ता भी नहीं है। वहाँ गलियों की बात की जाए, गलियों में किस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है, किस तरह के वहाँ निकलने की जगह भी नहीं है और जगह जगह पानी भरा है और लोगों को वहाँ काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी चंद्र प्रकाश, बरातशाला और शौचालय हर घर मुहैया कराने का जो वादा किया सरकार की तरफ से, लेकिन ये काम होता है प्रधान का पहुंचाने का, सड़कों को दुरुस्त कराने का, साथ ही कई जिम्मेदारियां होती हैं एक प्रधान की, क्या वो निभाई हैं यहाँ पर, निभाई गई हैं वो जिम्मेदारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से जिला ODF हो चुका है, शौचालय मुक्त जिला हो चुका है, जिसके बाद अगर कन्नौज जिले के बदौसी गांव की बात की जाए तो कन्नौज जिले बदौसी गांव में आधे से अधूरे शौचालय पड़े हैं। कुछ ऐसे ग्रामीणों ने बताया है कि यहां पे गड्ढे खुदवा दिए गए थे, शौचालय के लिए पैसा तक नहीं आया, वो लोग शौच क्रिया के लिए गाँव में ही जाते हैं। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कुछ प्रधान शौचालय के नाम पे पैसे मांग की थी, जिसके बाद इन लोग ने शौचालय पैसा नहीं दे पाए, जिसके बाद उसको शौचालय नहीं मिला। जी चंद्र प्रकाश, कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि ग्राम प्रधान कॉलोनी जो मिलती है उसको लेकर यहां पर अपना 20,000 कुछ पैसा यहां पर ग्रामीणों से लेता है, तो यहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इसको लेकर? ये बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ ग्रामीणों आर्या न्यूज ने पड़ताल की थी, ग्रामीणों का आरोप था, जिस तरह से कुछ ग्रामीणों ने बताया था कि यहाँ आवास में आपात्रों को जो जिनकी तिजोरियां भर दी थी, प्रधान की तिजोरियां ग्रामीणों ने जो आपात्र थे उन लोगों ने भर दी थी, उनको आवास दे दिया था, जो पात्र लोग थे उनको आवास नहीं मिला था, जिसके बाद उन लोगों को जिसके पास पैसा नहीं था, पात्र थे फिर भी उन लोगों को प्रधान द्वारा आवास नहीं दिया गया। जी चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं प्रधान के ऊपर, इस पर अभी तक किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया क्या? बिल्कुल, अभी हालांकि पूरे मामले की जानकारी डीएम को दी जा चुकी है और हालांकि आर्या न्यूज की खबर के बाद कई खबरों का असर हुआ है, जिसके बाद ये आर्या न्यूज ने ये भी एक खबर प्रमुखता से दिखाया जा रही है, जल्दी हो सकता है इस खबर का भी असर हो, जिस तरह से अभी मामला अधिकारियों के संज्ञान में है। जी ठीक है चंद्र प्रकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज जिले के बदौसी ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ के 5 वर्षों में किस तरह का विकास कर रहे हैं, यहीं की जनता से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम शमसुद्दीन है। 5 वर्ष में दादा क्या क्या काम हुआ आपके यहाँ? कुछ काम नहीं, सब बेकार। मतलब आने वाले टाइम जो प्रत्याशी आपको लुभाने का काम करते होंगे, क्या क्या कहते हैं कि क्या वोट दीजिए हमको, क्या क्या काम करवाएंगे, गांव का विकास करेंगे, ये है। अच्छा, अपना मत कैसे देंगे, कैसे प्रत्याशी को देंगे इस बार? आपकी तरफ से प्रत्याशी वोट देंगे, प्रत्याशी काम लाएगा। हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि 5 वर्षों में किस तरह का विकास कार्य हुआ है। क्या हमारा नाम किशोर दीक्षित है। 5 वर्षों में आप ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा क्या क्या विकास करवाया? अपने स्वार्थ के लिए सब विकास कराया गया। अच्छा, आने वाले टाइम में आप किस विकास के लिए? हम अपने ईमानदार कितना अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा, आने वाले आप क्या विकास चाहते हैं आपके गाँव में? हमारे गाँव में बैंक होना चाहिए, हमारे गाँव में सीवर टैंक सब व्यवस्था, कॉलोनी जो अपात्र है उनको पात्र बना दिया गया, जो पात्र है उनको अपात्र बना दिया गया। अच्छा, आपने उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं की? अब हम शिकायत किससे करें भैया, हमें जब हम किसी के साथ पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब वो उनके आगे चल नहीं रही है पावर उनका है, तो हम क्या करें? और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि 5 वर्षों में किस तरह का विकास हुआ। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा, प्रधान द्वारा 5 वर्षों में क्या क्या विकास करवाया? सब ऐसे होते हैं, स्वार्थ के लिए सब विकास होते हैं, जहाँ चाह तहाँ विकास हुए, जहाँ नहीं चाह नहीं हुए। हम लोग जो पात्र होते हैं उनको कोई चीज नहीं मिलती है, जो नापात्र है कॉलोनी को पर कॉलोनी, एक कॉलोनी में दूसरी कॉलोनी दी गई, जिनको दही जिन्हें मिलने का उनकी कार्ड दी जाती है। आने वाले टाइम आप किस कैसे विकास के लिए? हम ऐसे आदमी को चाहते हैं जो हमारे गांव का बढ़िया विकास कराए, गरीब जनता को देखे कायदे से सबको। हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण उनसे बातचीत करना प्रयास करते हैं, जिस तरह के यहाँ का ग्रामीणों का आरोप प्रधान पर है कि जिस तरह से प्रधान ने 2 मंजिल जिनके मकान बने हुए उनको आवास दे दिए गए और जिनके कच्चे मकान को आवास नहीं दिए। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। अमित जी, आपके गाँव में क्या क्या विकास हुआ 5 वर्षों में? जनता के लिए लोग जो प्रधान बने हुए हैं आज तक हमारे ग्राम सभा में, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं।
क्योंकि जो जो पात्र लोग हैं उनको कॉलोनी ले लेते हैं, जो अपात्र हैं उनको कॉलोनी देते हैं, और इस तरीके जो पात्र नहीं जो अपात्र हैं उनको कॉलोनी नहीं मिलती है, जो पात्र हैं उनकी नहीं मिलती। और इसके बाद जो विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, और अपने अपने जो प्रत्याशी जो है अपने प्रधान है जो बने हुए हैं अपने नाम के पट्टे कराते हैं और अवैध कब्जा अपना निर्माण बाउंड्री वाल करवा के अपना कब्जा करते हैं। और मुझे इस ऐसे व्यक्ति प्रधान को मुझे सुनिश्चित करना है जो हमारे ग्राम सभा में गरीबों को देखे, जो गरीब जनता के साथ हो, मैं उसका 100% मतदान करूंगा। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं जो जो लोग जैसे लोग जनता की जो अपील करते हैं प्रधान लिखवाते हैं कि हम टंकी बनवाएंगे, टंकी हमारे गांव में बनी हुई ऑलरेडी है मगर उसके कार्य अभी विकास नहीं हुआ है, ना कोई कार्य चल रहा है उस पर, और अपने दरवाजे किसी को पानी नहीं मिलता है, अपने दरवाजे बनवाइए। हमारे साथ हुआ है अपना ईमानदार गरीब जनता की सुनने वाला हमारा जो संजीव कुमार बेटी, हम इनको भी चुनना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो प्रधान पीते काल में रहा उसने सारी सरकारी जमीन जो थी वो अपने घेर ली, बाउंड्री खिंचवा ली जो आवास है उनको आपात्र को आवास दे दिया गया, जो पात्र है उनको आवास नहीं दिया गया। आर्यन न्यूज के लिए।